जीएसटी के दो रिटर्न लगातार नहीं फाइल किया तो ईवे बिल नहीं होगा जनरेट। एक खबर है सूरत की। सूरत के केंद्र सरकार अब तक कोरोना के चलते व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में नरमी बरत रही है, लेकिन अब जबकि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों को फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो लोग लगातार दो जीएसटी संबंधित दो रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे उनका ईवे बिल जनरेट नहीं होगा। नया कानून 15 अगस्त के बाद लागू होगा। जिन व्यापारियों ने लगातार दो जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनका ईवे बिल जनरेट नहीं होगा, वे माल नहीं भेज पाएंगे। जीएसटी विभाग के सूत्रों के अनुसार कुछ फर्जी आईटीसी घोटालेबाज बिना रिटर्न दाखिल किए ईवे बिल जनरेट करते हैं और माल की बिक्री में घोटाला करते हैं। ये सब सरकार के संज्ञान में आने के बाद जिन लोगों ने लगातार दो जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया उन्हें अपना ईवे बिल जनरेट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में वास्तविक व्यापारी पिछले 1.5 साल से रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। यह स्थिति पूरे देश में बन गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने व्यापारियों को राहत दी है। साथ ही रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों को जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया गया। जुलाई में समय सीमा समाप्त होने के साथ ही केंद्र सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। जिन व्यापारियों ने 15 अगस्त के बाद लगातार दो जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनका ईवे बिल जनरेट नहीं होगा और वे माल नहीं भेज पाएंगे। फिलहाल जीएसटी विभाग ने 1000 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस भेजकर समय पर रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है।